ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 आ चुका है। और जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड्स में हमें दिखाया गया था कि एक वेल के अंदर यहाँ पे नॉन सोर्सर्स को कैद कर दिया गया था शिबा स्टेशन के अंदर, ठीक है ना। जिस वजह से यहाँ पे जो ये लोग हैं नॉर्मल, ये इस वेल से बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। लेकिन सोर्सर्स इसके अंदर बाहर जा पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारी टीम्स इकट्ठा हो जाती है, चारों तरफ से इस वेल को घेर लेती है। और ये सबके सब लोग इस बात का वेट कर रहे होते हैं कि भाई गोजो इस वेल के अंदर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि गोजो आसानी से इस वेल के अंदर आ पाता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में यहाँ पे हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भाई परेशान होते हैं, और गोजो भी यहाँ पे होता है और वो इस सिचुएशन को रीड करने की कोशिश कर रहा होता है। उसको ऐसा एहसास होता है कि इस वेल के अंदर एक और वेल है जो कि बिल्कुल बीच में बनाई गई है और इसके अंदर नॉन सॉर्सरर्स ट्रैप है। यहाँ पे जब गोजो नीचे कूदता है तो उसको हल्का फुल्का आइडिया लगने लग जाता है कि उन लोगों का असली मकसद क्या है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मतलब यहाँ पे गोजो को अकेला क्यों भेजा गया है, मुझे समझ आता है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों, हमें भी तो कुछ काम देना चाहिए था ना, बैकअप वगैरह का या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मे होती है और उसके साथ उसका एक छोटा भाई भी होता है और ये लोग एक सिमेट्री में होते हैं। मे के छोटे भाई का नाम होता है उई उई, ठीक है ना। अब मैं समझ नहीं आ रहा भाई इसको कैसे बोलूंगा, लेकिन ठीक है भाई, जो है वो है। उई उई यही कहता है कि भाई सटोरू गोजो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझता है क्या, जो कि मेरी दीदी को उसने अपने बैकअप की तरह रखा हुआ है, बॉडीगार्ड समझ के। तो मे कहती है कि तुम्हें उसको किसी आम इंसान की तरह नहीं देखना चाहिए, वो अलग है। तो ये दोनों यहाँ पे जब बातें कर रहे होते हैं तो यूजी इटादोरी भाई मन में सोचता है कि चल गया रहा भाई। जब इन लोगों की ये बातें हो जाती है तो मे बताती है कि भाई शिबुया में जो वेल ड्रॉप हुई है उसके अंदर मेजी श्राइन स्टेशन के ऊपर एक और वेल ड्रॉप हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली दो वेल्स हैं, ठीक है ना। तो ये लोग वहीं पे जा रहे होते हैं। दूसरी ओर गोजो यहाँ पे भाई इस सेकंड वेल के अंदर भी आके घुस जाता है और वो यही कहता है ऐसा लगता है तुम लोग प्रिपेयर होके आए हो। और सामने यहाँ पे चोसो, हानामी और जोगो खड़े होते हैं। टोक्यो मेट्रो स्टेशन के एग्जिट नंबर 2 पे जब मेमे की टीम पहुंचती है तो यहाँ पे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होती है वो बताती है कि यहाँ पे दो वेल्स हैं, ठीक है ना। और उसका ऐसा मानना है कि जिसने भी ये सेकंड वेल ड्रॉप की है वो जरूर इन दोनों वेल्स के बीच में होगा, वो इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता कि वो सेकंड वेल के अंदर ही हो, तो उसके बीच में इनको ढूंढना होगा। और साथ ही साथ ये बताती है कि इन दो वेल्स के बीच में हो सकता है कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बीइंग्स भी हो, जिससे सुन के यहाँ पे यूजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले जब उसने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारा था तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगा था, जैसे कि आपको याद होगा। यहाँ पे मे अपने ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके दो क्रोस को यहाँ पे अंदर भेजती है सर्वेलेंस टाइप के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद इन दोनों ही क्रोस को मार दिया जाता है, जिसके बाद मे यही कहती है कि ठीक है फिर मेरे को हल्का फुल्का आइडिया लग चुका है इटादोरी, तो तुम क्या प्रेफर करोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, क्या तुम कमजोर ट्रांसफिगर ह्यूमंस को मारना चाहोगे या फिर एक बड़े ताकतवर कर्स स्पिरिट को। मुझे पता है कि तुम दूसरे वाले को ही चुनोगे, क्यों, है ना। यहाँ पे मे यूजी को पूरा अंडरग्राउंड मैप दिखाती है, वो बताती है कि B5 लेवल पे नॉर्मल लोगों को ट्रैप किया गया है जो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है, मेरे क्रोस को B5 में एंटर होने से पहले ही मार दिया गया, जिसका मतलब ये है कि उन सब लोगों को जान पूछ के डरा के B5 पे ले जाया गया था। B1 और B2 के बीच में मेरे क्रोस को मारा गया, इसका मतलब ये है वहीं जरूर एक कर्स स्पिरिट होगा, हो सकता है कि वहाँ पे ट्रांसफिगर ह्यूमंस भी हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है उन लोगों ने जान पूछ के नॉर्मल लोगों को B5 पे बंद करके रखा हुआ है। तो बेसिकली ये दोनों प्लान करते हैं कि ये अलग अलग बढ़ जाएंगे, मे जाएगी दूसरे एग्जिट की तरफ से और वहां पे जाके ट्रांसफिगर ह्यूमंस को संभालेगी, वही दूसरी ओर यूजी इटादोरी फाइनली भाई एक कर्स स्पिरिट से लड़ेगा। जब यहाँ पे यूजी अंदर आता है तो इधर एक लोकस टाइप का भाई डीमन या मॉन्स्टर कह लो इसको, या स्पिरिट कह सकते हैं हम वैसे, है कि नहीं, वो यहाँ पे एक इंसान को खा रहा होता है, जिसके बाद यूजी जब इधर अंदर आता है तो भाई ये जो स्पिरिट होता है अपने आपको काफी चालाक समझ रहा होता है। यूजी आते ही साथ उससे भाई माहिटो के बारे में पूछता है कि क्या तुमने उस पैच फेस को देखा है, तो भाई ये स्पिरिट उसे ये बताता है कि वो नीचे वाले लेवल्स पे है। यहाँ पे यूजी नोटिस करता है कि साइड में एक कर्स ऑब्जेक्ट होता है कील टाइप का, उसे देख के वो समझ जाता है कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है और उसको उसे नष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लोकस्ट भी कोई आम जीव नहीं है। आपको पता होगा लोकस्ट जब झुंड में अटैक करते हैं तो भाई वो फसल वगैरह को खत्म कर ही देते हैं, साथ ही साथ पेपर, क्लॉथ, बिल्डिंग, जो भी चीज प्लांट फाइबर से बनी होती है उन सबको खा जाते हैं, ठीक है। ये स्पिरिट ये बताता है कि एक लोकस्ट को अपने वेट के बराबर ही रोज खाना पड़ता है, इसी वजह से अगर 2,500 टन के लोकस्ट एक साथ हमला करे तो भाई तुम्हारे शहर वहर मिट्टी में मिल जाएंगे सब कुछ, ठीक है ना। इसी वजह से इंसान लोकस्ट से नॉर्मल भी काफी ज्यादा डरते हैं। और अब ये तो भाई स्पिरिट है तो इससे तो
ऑब्वियसली डरेंगे, तभी इसकी मैनिफेस्टेशन हुई और ये रियल लाइफ में आ पाया है। यूजी यहाँ पे उससे लड़ना शुरू करता है और भाई उसे मुकाबले की टक्कर देता है। उसके चार हाथों के सामने वो अपने दो हाथों से भाई कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके लड़ता है। ठीक है, भले यहाँ पे ये स्पिरिट काफी ज्यादा ताकतवर होता है एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से, लेकिन फिर यही सोचता है कि भाई जब ये इतना ताकतवर है, इसके पास चार हाथ है, तो तब भी यही क्यों पिट रहा है। एंड में जब यहाँ पे यूजी उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमें बताया जाता है कि जो लोकस्ट होते हैं वो अपने अंडे अंडरग्राउंड में देते हैं, जिस वजह से उनके पेट की जो टिप होती है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और हार्ड भी होती है। तो यही उसका आखिरी दाव होता है, इससे इस टिप से वो यहाँ पे यूजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन भाई यूजी तो उसकी बैंड बजा के रख देता है पूरी तरह से। भाई दूसरी ओर मे और उई उई ने भाई इन सारे के सारे ट्रांसफिगर ह्यूमंस को भी मार दिया होता है। दूसरी ओर यहाँ पे 9 बजे का सीन हमें दिखाया जाता है और माहितो को पता चल जाता है कि भाई वो लोकस्ट जिसका नाम था कोगा है, उसको एक्सरसाइज कर दिया गया है। भले वो भी लड़ना चाहता था और उसे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा सॉर्सरर आया है यहाँ पे, लेकिन वो उससे लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास अपना ही खुद का एक काम है। ये तीनों यहाँ पे रिग्रुप हो जाते हैं B4 पे और मे कहते हैं क्या बात है, तुमने तो समय से पहले अपना काम खत्म कर दिया, वैसे देखा जाए तो तुम ऑलरेडी एक फर्स्ट रेट के सॉर्सरर बन चुके हो ऐसा लग रहा है। ये लोग जब यहाँ पे नीचे पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक औरत होती है जो कि शॉक में होती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और वो देखता है कि इधर भाई काफी प्लांट्स वगैरह आने लग जाते हैं जिसके पीछे हानामी का हाथ होता है। ठीक है, तो गोजो ये कहता है यार ये सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे पता है अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो तुम यहाँ पे मौजूद सारे इंसानों को मारने लग जाओगे, क्यों है ना, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब जोगो इधर गेटो से बात कर रहा था सातोरू गोजो के पावर्स के बारे में कि कब वो अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाता है। तो गेटो उसको यही बताता है कि जब गोजो अकेला होता है तभी वो अपनी ताकत का ठीक से इस्तेमाल कर पाता है पूरी फॉर्म में। जिसके बाद यहाँ पे जोगो ये सारे के सारे गेट्स खोल देता है और ये सारे के सारे जो भी लोग होते हैं फंसे होते हैं वो ट्रैक्स पे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इसीलिए इनका ये प्लान है कि ये गोजो को यहाँ पे फंसा दे, क्योंकि अगर वो अटैक करेगा तो इस वजह से ये नॉर्मल लोग भी घायल हो सकते हैं। गोजो समझ जाता है कि इन्होंने ये बैरियर इसलिए बनाया था जिससे कि गोजो को पता न चले कि अंदर लोग हैं या नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है और गेटो बताता है कि उसके साथ अगर कोई और जुजुत्सु सॉर्सरर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हमें गोजो के आसपास नॉर्मल लोगों को रखना होगा। यहाँ पे जोगो भाई पागलों की तरह इन लोगों को जलाना शुरू कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे भगदड़ मच जाती है। दूसरी ओर हनाबी भी इन लोगों को मारना शुरू कर देता है और चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन स्लाइसिंग एक्सोरसिज्म का इस्तेमाल करके भाई गोजो की तरफ अटैक करता है, लेकिन गोजो के इन्फिनिटी वॉइड की वजह से ये अटैक उसको छू भी नहीं पाता। ठीक है ना, तभी सामने से इधर हानामी और जोगो दोनों के दोनों भाई अपने पंचेस रेडी करके आते हैं गोजो के ऊपर हमला करने के लिए। गेटो ने जोगो को बताया होता है कि अगर हम गोजो के कर्स टेक्निक रिवर्सल की बात करें तो वो एम्पलीफिकेशन की डबल होती है अगर हम कम से कम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो, और अगर वो कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो ये काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि नॉन सोर्सेस भी उसमें निपटे जाएंगे, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, साथ ही वो अपने ब्लू का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा हाई स्पीड मूवमेंट में ट्रैवल करना ब्लू की मदद से, क्योंकि नॉर्मल लोगों के ऊपर पड़ते ही साथ वो लोग मर जाएंगे। इसी वजह से सातोरू गोजो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी से लोगों को बचाने में फोकस करेगा। तो फाइनली हानामी और जोगो इधर गोजो के पास पहुंच चुके होते हैं और ये इससे आगे नहीं बढ़ पाते, जिसे देख के भाई गोजो भी कहता है। तो हानामी यहाँ पे अपने दूसरे हाथ से भी अटैक करता है, लेकिन जिसके बाद ये दोनों ही डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और भाई काफी तेज ये भाई गोजो के बैरियर को भाई तोड़ना शुरू कर देते हैं काफी धीरे धीरे करके, ये गोजो के पास आने लग जाते हैं। ठीक है ना, जिसके बाद एकदम से गोजो यहाँ से गायब हो जाता है और साइड में आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि न्यू शैडो स्कूल का सिंपल डोमेन पे बेस्ड है। ये लोग अपने आप को डोमेन के अंदर बंद कर लेंगे जिससे कि सबसे पहले तो ये गारंटीड हिट वाले इफेक्ट को थोड़ा कम कर देंगे। अब जैसे यार देखो मैं तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जब भी हम सामने वाले के डोमेन के अंदर होते हैं तो सामने वाला जो भी अटैक हमारे ऊपर करेगा वो हमारे ऊपर पड़ना ही पड़ना है। लास्ट टाइम गोजो इस सिचुएशन से कैसे निकला था, उसने अपना खुद का एक डोमेन बना दिया था और उस वजह से वो उससे बच निकला था, लेकिन इस बार इन्होंने इस वाली टेक्निक के ऊपर फोकस नहीं किया है कि इनके अटैक गोजो के ऊपर पड़े ही पड़े। इसी के साथ साथ ये दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस वजह से सामने वाले के टेक्निक को न्यूट्रलाइज किया जाए। अब यार इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो अभी क्योंकि गोजो इन लोगों के डोमेन में है तो जो गोजो की टेक्निक्स है वो भी धीरे धीरे करके भाई कम इफेक्टिव होंगे, जिस वजह से अभी ये धीरे धीरे करके भाई गोजो के ऊपर अटैक करने वाले तो उसके काफी नजदीक पहुंच गए थे, आपने जैसा कि अभी देखा। ठीक है ना, और ये सारा आइडिया इनको किससे मिला है, कोकीची से। ठीक है ना, आपको याद होगा जब मेकामारू वाले जो फाइट थी उसने कैसे अपने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करके भाई माहितो की वाट लगाई थी। तो इनका बेसिकली ये प्लान होता है कि इसी तरीके से ये गोजो की वाट लगाएंगे। हमें फिर से यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है और जोगो पूछते हैं कि और उसके इन्फिनिट वॉइड का क्या करेंगे हम, उसका जो
डोमेन है सबसे पावरफुल। तो गेटो बताता है कि सातोरु गोजो अपने इन्फिनिट वॉइड का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो जिस भी इंसान को छूता है सिर्फ वही उससे बचता है। अब भाई उसके पास अगर ऐसा स्किल है कि वो सिर्फ तुम लोगों को अपने डोमेन के अंदर कैद करे तो अलग बात है, लेकिन उसके आसपास काफी सारे नॉन सॉर्सरर्स शामिल होंगे जो कि पहले से एक वेल के अंदर होंगे। अगर गोजो ने अपने खुद का एक डोमेन बना लिया तो वो सारे के सारे नॉन सॉर्सरर्स भाई दूर उड़ जाएंगे और दोनों वेल्स के अंदर फंस जाएंगे जिससे कि उनकी मौत हो जाएगी। तो 99% चांस है कि वो अपने डोमेन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसका मतलब यह है कि तुम लोग भी अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो भाई वो लोगों को गिव अप कर देगा और तुम्हारी बैंड बजाना शुरू कर देगा। तो तुम्हें बस उसको फोकस रखना है, तुम्हें ये देखना है कि सातोरु गोजो से फोकस करे इन लोगों को बचाने में और कर्स स्पिरिट को हराने में। जोगो कहता है कि मैंने तुम्हें भागने के लिए मना किया था ना, और वो तभी एक आदमी को यहाँ पे मार देता है। तो वो ये कहता है कि जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या। तो गोजो कहता है कि वाह, मैं ये देख के शौक हो जाओ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस सिचुएशन में लाके मेरे को हरा पाओगे। जिसके बाद यहाँ पे वो अपना ब्लाइंड फोल हटा लेता है और भाई इधर जोगो के पसीने छूटने लग जाते हैं लिटरली। हमें यहाँ पे फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है और गेटो ये कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम 20 मिनट तक ये काम संभाल लो, उसके बाद मेरा और प्रिज्म रैम का समय आएगा। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और भाई नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक में और धीरे धीरे करके काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप बताओ यार आपको कैसा लगा ये एपिसोड। भले इस एपिसोड में इतना कोई फाइट सीन नहीं था बट उसके लिए भी आप एपिसोड देख सकते हो यार, बहुत सारे सोर्सेस है बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं बता सकता वीडियो में। कमेंट सेक्शन में काफी लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, तो यार कोई लिख दो यार अच्छी सी वेबसाइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है ठीक है ना, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।